प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अमरपाल सिंह ने सिटी वन संवाददाता से बातचीत की और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग और उसके कार्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि हम सभी के लिए यह गौरव का विषय है। तो वो क्या करेगा, वो जो है एकदम से जैसे उतर जाएगा धीरे धीरे नीचे करके, जब उसकी जो उड़ने के बाद में धूल वगैरह है वो जब शांत हो जाएगी, एक भी कण बिल्कुल नहीं उड़ेगा, उसके बाद में फिर जो है अपने अंदर से जो है प्रज्ञान रोवर को निकालेगा, रैंप खोलेगा और अपने पैनल तो पहले ही खुल चुका होगा, सोलर पैनल, सूर्य की लाइट पड़ेगी, अंदर से जो है सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा पूरा, उसके बाद वो चंद्रमा की सतह पर देखेगा, खोजेगा, वो जानकारी जो रोबोट है रोवर, वो जानकारी जो लैंडर खड़ा रहेगा वहीं के वहीं उसे देगा और वो उसे देगा, वो यहाँ पर आएगी और वो मिशन जो लैंडर है धरती पर जो उतरा है और जो उसका रोवर है वो दोनों ही 14 दिन तक वर्क करेंगे। जो 26 किलो का उसके अंदर से जो रोवर निकलेगा रोबोट, वो और लैंडर जो है वो दोनों केवल और केवल 14 दिन के लिए ही वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो साउथ पोल है जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश 14 दिन के लिए ही पड़ता है। उससे बाद में क्या होगा, बाद में वहाँ पर क्या होता है, जैसे अंधेरा सोना शुरू होता है तो -180 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो फ्रीज कर देगा ना किसी भी सिस्टम को, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो ये उपकरण जो हैं इलेक्ट्रॉनिक वो फिर भी वो भी काम नहीं करेंगे। तो वो जो बनाया गया है अभी जो लैंडर मॉड्यूल जो है और उसका ऑर्बिटर है और उसका ये जो सिस्टम पूरा है वो केवल और केवल 14 दिन के लिए डिजाइन और डिफाइन किया गया और 14 दिन के बाद में 14 दिन तक लगातार जो डाटा प्राप्त कर रहा है, हो सकता है कि 14 दिन बाद भी उसमें कुछ हीटिंग जो है सिस्टम जनरेट हल्का सा लगा हुआ है वो कुछ दिन और चल जाए उसके बाद में, लेकिन फिलहाल ये जो है वो केवल 14 दिन के लिए जो मिशन है, उसके बाद में हमें वो जो डेटा प्राप्त होगा वो पूरी दुनिया के लिए लाभान्वित करेगा। वहाँ पर क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या पानी की अपार भंडार हैं वहाँ पर, या फिर हीलियम-3 जैसे कुछ पदार्थ हैं, कुछ अन्य प्रकार की ऐसी विशेष धातुएं हैं जो रॉकेट के काम आ सकती हैं, रॉकेट टेक्नोलॉजी में काम आएंगी, रॉकेट फ्यूल में काम आएंगी और मानव भविष्य में बस्तियां बसाने के काम आएंगी या फिर दूसरे ग्रहों पर यान भेजने के काम आएंगी। तो ये पूरा जो है वो चंद्रयान 3 मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण है।